नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका। एक और बहुत ही खास जानकारी लेकर आया हूं आप सबों के बीच, और एक बहुत ही अनोखा जानकारी दूंगा फ्रेंड्स आप लोगों के सामने, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज आप लोगों को बताऊंगा फ्रेंड्स, आखिरकार पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव के बीच में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है। जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों में से सबसे ज़्यादा अमीर कौन है और सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है। आप लोग यही सोचते होंगे कि आखिरकार मुझे कैसे पता चला, और फाइनली यह फेक न्यूज़ नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगा आखिरकार मुझे कैसे पता चला। पहले आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए, वीडियो के अंत में आप लोगों को बताऊंगा आखिरकार मुझे कैसे पता चला। जी हाँ फ्रेंड्स, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी के बारे में बात की जाए तो दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री के अभी सुपरस्टार हैं। दोनों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बात की जाए दोनों में से तो पवन सिंह जी खेसारी लाल से पहले इंडस्ट्रीज में हैं। खेसारी लाल जी के बारे में बात की जाए तो अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर खेसारी लाल यादव जी हैं। दोनों अभी बहुत ज़्यादा अमीर हैं, दोनों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, लेकिन फाइनली अभी किनके पास ज़्यादा पैसा है उनके बारे में बताऊँगा। कमाई की बात की जाए तो खेसारी लाल यादव एक गाने के लगभग 3 से 4 लाख रुपया लेते हैं रेडियो वीडियो का, और पवन सिंह जी के बारे में बात की जाए तो उतना गाना नहीं गाते, लेकिन गाते हैं तो एक गाने के लगभग 6 लाख रुपये लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यह पवन सिंह जी का चार्ज है, लेकिन खेसारी लाल यादव बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गाना गाते हैं और पवन सिंह जी कभी कभी गाते हैं। यानी एक महीना की बात की जाए तो पवन सिंह जी एक महीना में एक भी सॉन्ग नहीं गाते हैं, लेकिन वहीं खेसारी लाल जी के बारे में बात की जाए तो एक महीने में 3 से 4 गाना गाते हैं। यानी आप सोच सकते हैं सॉन्ग से सिर्फ खेसारी लाल यादव 10 से 20 या 30 लाख भी रुपया कमा सकते हैं, कमाते हैं। लेकिन फिल्म की बात की जाए तो पवन सिंह जी खेसारी लाल से ज़्यादा पैसा लेते हैं। अगर खेसारी लाल एक फिल्म से 50 लाख रुपये लेते हैं तो पवन सिंह जी वहीं 60 लाख या 70 लाख रुपये लेते हैं। पवन सिंह जी क्रिक फाइटर का 1 करोड़ रुपया लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली बात करते हैं किनके पास कितना रुपया है। जी हाँ फ्रेंड्स, पवन सिंह जी के पास बता दें आप लोगों को 854 करोड़ रुपया है। जी हाँ फ्रेंड्स, पवन सिंह जी के पास 854 करोड़ रुपया है, और खेसारी लाल यादव जी के बारे में बात की जाए तो इनके पास 735 करोड़ रुपया है। आप लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि यह बात मुझे कैसे पता चला, तो आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं फ्रेंड्स। गूगल पर आप लोगों को यह लिस्ट मिल जाएगा। पवन सिंह जी के पास खेसारी लाल यादव से 119 करोड़ रुपया ज़्यादा है, और यह बिल्कुल पक्का रिपोर्ट है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिख कर बताइए आप लोगों को यह रिपोर्ट कैसा लगा। तो आप किसी और हीरो के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। जय बिहार। अगर दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब की बटन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।